Good morning everybody, myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. आज का मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन 3, कोड CD 303, यूनिट नंबर 4, वाटर प्लानिंग पार्ट 2, 4.1, हाउ टू सिलेक्ट एंड वेयर क्लोथ्स, 4 स्टेप्स ऑफ वाटर प्लानिंग. पिछले वीडियो में हमने वार्डरोब प्लानिंग के 4 स्टेप्स को पढ़ा था और उसी को आज हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं. इस कैप्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ 4 बातें बताने का प्रयास किया है कि जो कि वार्डरोब प्लानिंग के ऊपर पूरी फिट बैठती हैं. जैसे कि पहला है यू आर द बॉस ऑफ क्लटर. इसका मतलब है कि आप अपनी अव्यवस्था के खुद बॉस होते हैं या खुद जिम्मेदार होते हैं. यहाँ पे हम क्लटर वार्डरोब प्लानिंग से संबंधित है. क्लटर मतलब क्योंकि हमारा वार्डरोब कई बार अव्यवस्थित होता है तो हम उसको अव्यवस्था में इसको उससे संबोधित कर रहे हैं. क्लटर इज द एनिमी ऑफ क्लैरिटी, यानी कि अव्यवस्था जो है वो स्पष्टता की दुश्मन है. इसीलिए आप इन सब बातों से आप ये सीख सकते हैं कि हमें वार्डरोब प्लानिंग की आवश्यकता क्यों हो सकती है. तीसरा है बाय लेस बट चूज वेल. मतलब कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं अपनी वार्डरोब प्लानिंग में, भले ही आप कम खरीदें बट अच्छी खरीदें. और फोर्थ है वुड आई बाय दिस अगेन. और इससे यह तात्पर्य है क्या मैं इसे दोबारा खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ. तो इस कैप्शंस में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स टाइप हैं जिन्हें हम वार्डरोब्स के साथ जोड़कर या वार्डरोब प्लानिंग के साथ जोड़कर इसे देख सकते हैं. इस स्लाइड में मैं अब आपको वाटर प्लानिंग से संबंधित कुछ ऐसे कोटेबल कोट्स के बारे में बताना चाहती हूँ. कोटेबल कोट्स पहले क्या होते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं. ये किसी भी विषय के रेफरेंस में कहे जाने वाली कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बातें होती हैं और ये बहुत ही लिमिटेड शब्दों में, यानी सीमित शब्दों में इसे समझाने का प्रयास किया जाता है. अब यहाँ पर एमी कोलिन के द्वारा एक कोट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी. ओपनिंग अप योर क्लोजेट शुड बी लाइक अराइविंग एट अ रियली गुड पार्टी वे एवरी वन यू सी इज समवन यू लाइक. जब भी आप अपना क्लोजेट खोलते हैं तो ऐसे महसूस होना चाहिए, ऐसा आपको लगना चाहिए कि आप एक अच्छी सी पार्टी में आए हैं और जहाँ पर आपको सभी लोग देख रहे हैं और सभी आपको पसंद कर रहे हैं. दूसरा कोटेबल कोट है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ इमीडिएटली क्लीन आउट अ क्लोज़ेट. यानी कि यदि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो अपने को जो क्लोज़ेट है, यहाँ पे क्लोज़ेट का अर्थ है अपनी अलमारी से या अपने वार्डरोब से, उसे हमेशा साफ करें. ऑफन इट इज़ व्हाट वी होल्ड ऑन टू दैट होल्ड अस बैक. क्योंकि क्लोज़ेट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बांध कर रखती है और यही हमें कई बार पीछे की ओर भी लाने का प्रयास करती है. हम कुछ और कोटेबल कोट्स से रूबरू होंगे. इन कोटेबल कोट्स से हम अपने कुछ
सीमित शब्दों में इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। कई बार हम कई बातें कहते हैं और जब हम उसी कोई विस्तार में कोई भी चीज़ बात को कही जाती है तो उन्हें समझना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को सीमित शब्दों में किसी को समझाने की प्रयास करते हैं तो वो आसानी से उसे अपने जीवन में उतार सकता है। तो इसमें सबसे पहला, अब वापस से एक और मैंने कोटेबल कोट्स यहाँ पे कुछ और लिए हैं, इसमें है, पहला है, ऑलवेज ड्रेस लाइक इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर मैं और विभिन्न प्रकार के कोटेबल कोट्स से आपको अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि कोटेबल कोट्स जो होते हैं ये बहुत ही सीमित एवं प्रभावपूर्ण शब्दों का एक संग्रह होता है जो किसी के भी जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। जब हम किसी को विस्तार में कई बातें कहने का प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही सीमित होता है और कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे सीमित शब्दों के माध्यम से हम उसके जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दो तीन स्लाइड्स में, मैंने आपको एक पहली स्लाइड में दिखाया कि किस तरह से शब्दों के माध्यम से हम कम शब्दों में बड़ी बातों को आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ यहाँ पे कोटेबल कोट्स पढ़ना चाहूँगी। ऑलवेज ड्रेस लाइक इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आप हमेशा इस तरह से ड्रेस अप हो जैसे वे आपकी जीवन का सबसे बेस्ट दिन है या सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेयर बोरिंग क्लोथ्स। देन नेक्स्ट है, एलिगेंस इज नॉट अबाउट बीइंग नोटिस्ड, इट इज अबाउट बीइंग रिमेम्बर्ड। यानी आपको इसमें ये बताया गया है कि एलिगेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति को, परिधान आपने किस तरह का पहना है, आपकी वार्डरोब में वो किस तरह से सिलेक्टेड किया गया है, तो उसमें ये बताया गया कि जो उसको पहनने के बाद जो आपका जो सिलेक्शन है, ये जो चयन है जो कि आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से किया है अपनी वार्डरोब प्लानिंग में, तो वह एलिगेंस इज नॉट अबाउट बीइंग नोटिस। आपको सिर्फ नोटिस ही नहीं करना चाहिए, किया जाना चाहिए, बल्कि आपको उसके लिए हमेशा याद रखा जाना चाहिए। फिर हमने लिखा है, ड्रेस हाउ यू वांट टू बी एड्रेस। आप हमेशा उस प्रकार से ड्रेसअप हो जिस प्रकार से आपको एड्रेस किया जा सके या जिस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत कर सके। वार्डरोब प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ब्रांड, स्टाइल या कोई भी, आप जब परचेजिंग करते हैं या ख़रीदारी करते हैं उससे संबंधित, उन सब को भी बहुत अधिक नोटिस किया जाता है और जो भी आप कार्य करते हैं उससे संबंधित वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे मैंने कुछ दो बातें और कहना चाहती हूँ मैं। पहला है, इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट द स्टाइल। तो आप जब वार्डरोब प्लानिंग करते हैं तो कभी ब्रांड को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप ये ढूंढें कि आप कौन सा स्टाइल अपने ऊपर पसंद करते हैं या उसको अपनाना चाहते हैं। दूसरा है, इफ़ यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट बाय इट। कई बार आपको कई चीज़ें बहुत ज़्यादा अधिक पसंद आने लगती हैं तो केवल उनके बारे में सोचे नहीं, अगर आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते हैं तो आप उसे तुरंत खरीद सकते हैं। अब हम
वार्डरोब प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली वाली जो स्लाइड्स थी और वीडियो था, उसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स के बारे में बताया था, लेकिन हम इस वीडियो में इन 4 स्टेप्स को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। वार्डरोब प्लानिंग में 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला स्टेप है इवैल्यूएटिंग योर स्टॉक ऑफ क्लोथिंग, यानी कि इसमें आपके पास जो परिधानों का संग्रह है उसकी तुलना करना। स्टेप 2 है एनालाइजिंग ईच सेपरेट ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, जब तुलना करते हैं तो हम परिधानों को कुछ समूह में विभाजित कर देते हैं। उन प्रत्येक समूह को दूसरे चरण में हम उनका विश्लेषण करते हैं। हर प्रत्येक ग्रुप की क्लोथिंग्स का विश्लेषण किया जाता है। स्टेप 3 में डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग। फिर हम क्या करते हैं कि जब हम स्टेप 2 में उन ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग यानी जो क्लोथिंग परिधानों का जो समूह है उनके बारे में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उस ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टेप 4 में हम पुटिंग ऑल द प्रिलिमिनरी एनालाइजिंग प्लानिंग एंड बजटिंग इनटू एक्शन। हम सभी जो हमारी प्राथमिकताएं होती हैं स्टेप 4 में, उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसका नियोजन करते हैं और उसको क्रिया में लाने के लिए उसकी बजटिंग भी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कैप्शंस लिए हैं, पिक्चर कैप्शंस लिए, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से कई बार हमारी वार्डरोब जो है वो प्लांट नहीं होती है। जैसा कि ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें हमने ये देखा है कि जो कपड़े हैं वो परिधान जो हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में है, और जो कि हमारी वार्डरोब में से बाहर आ रहे हैं कपड़े, और ये एक तरह का मेसी क्लोज़ेट का रूप ले लेते हैं। फिर हम कुछ और कैप्शंस भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला अपने वार्डरोब को खोलकर खड़ी है और वो ये देखना चाहती हैं कि भाई मैं कौन सा परिधान पहनूं और कौन सा नहीं पहनूं। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत अधिक कपड़े या परिधान हो जाते हैं हमारे क्लोज़ेट में, तो उनमें से चयन करना भी हमें बहुत ही कठिन हो जाता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम उनको मिक्स मैच करने में असमर्थ होते हैं या हमारे को इसके बारे में इसका ज्ञान नहीं होता है, तब इस तरह की हमारे साथ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक छोटा सा कैप्शन और है जिसमें लिखा है व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू विथ योर यूज्ड क्लोथिंग्स। तो कुछ ऐसी क्लोथिंग्स होती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, हमारे पास एकत्रित हो जाती हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें इन यूज्ड क्लोथिंग्स के साथ। और हमारा एक फोर्थ कैप्शन और है जिसमें लिखा है क्लोज़ेट क्लीन आउट। जब हम क्लोज़ेट को अच्छी प्रकार से प्लान आउट कर लेते हैं और जो भी हमारे जो अतिरिक्त जो हमारे परिधान हमारे काम नहीं आते हैं, तो उसको जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो वो हमें इस प्रकार से प्रतीत होता है। स्टेप 1,
इवैल्यूएटिंग योर स्टॉक ऑफ क्लोथिंग, ये वाटर प्लानिंग का प्रथम चरण है, जिसमें परिधानों के संग्रह का तुलना की जाती है। डिवाइड ऑल द गारमेंट्स इन ग्रुप, इन सभी परिधानों को समूह में विभाजित किया जाता है, और ये जो समूह होते हैं ये चार समूह में इन्हें ग्रुप किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप है प्लेस ऑल द गारमेंट्स यू वेयर फ्रीक्वेंटली। प्रथम समूह में हम ये देखते हैं कि हम उन सभी परिधानों में से उन परिधानों को अलग करते हैं जो हम बहुत ही अधिक या फिर हम लगातार उसे बार बार पहनते हैं, उस समूह में हम उन परिधानों को प्लेस करेंगे। सेकंड ग्रुप में हम प्लेस ऑल द गारमेंट्स यू वेयर ओकेजनली। तो हम दूसरे समूह में क्या करते हैं, उन परिधानों को रखते हैं जो हम कभी कभी पहनते हैं, जैसे हम पार्टीज़ में जाते हैं या बर्थडे पार्टीज़ में या मैरिजेस में या फेस्टिवल्स के जो क्लोथिंग्स होते हैं वह सभी दूसरे वाले समूह में उनको हम इंक्लूड करते हैं या सम्मिलित करते हैं। थर्ड ग्रुप जो है प्लेस ऑल द गारमेंट्स विच रिक्वायर्स रिपेयर एंड अपडेट्स। तीसरा समूह वह होता है, उन परिधानों को इस समूह में रखा जाता है जिनमें कुछ रिपेयर्स करनी हो, यानी कि मेंडिंग हो, या फिर उन्हें अपडेट करने की आवश्यकता हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिक्वेंटली वोन कपड़ों में भी कई बार कोई चीज़ें हमारी कमी रह जाती है, जैसे कभी बटन उधड़ गया, हैमिंग उधड़ गई या बटन निकल गया, तो उनको ठीक करने के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं होता है और अगर वो रह जाता है तो हम उसको थर्ड ग्रुप में रख देते हैं, फिर वह जिस भी ग्रुप का होता है उसमें उस ग्रुप में उसको हम वापस से प्लेस कर देते हैं। फोर्थ ग्रुप में हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट ग्रुप है, प्लेस ऑल द गारमेंट्स यू हैव नॉट वोन फ्रॉम द पास्ट ईयर। हम इस समूह में उन परिधानों को रखते हैं जो हमने एक साल से नहीं उन्हें पहना है। इसी प्रकार से हम एक्सेसरीज को भी इसी प्रकार से हम सेम कैटेगरी में रखने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपको ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो हमारी फोर ग्रुप्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि इसमें मैंने फर्स्ट पिक्चर में ये बताने का प्रयास किया है कि ये वह क्लोथिंग्स हैं जो हम रेगुलर पहनते हैं और ये हमने एक अलमारी में इसको प्लेस कर रखा है। दूसरा है जो हम कभी कभी पहनते हैं, ये ओकेजनल क्लोथिंग्स में हमने इसको सेकंड ग्रुप में डाला है, प्लेस किया है। थर्ड ग्रुप में हमने उन क्लोथिंग्स को लिया है जिन्हें रिपेयर की आवश्यकता है या अपडेट्स की आवश्यकता है, और ये वह क्लोथिंग्स हैं, इस पिक्चर में मैंने बताने की कोशिश की है कि जो मैंने या किसी ने भी अपने वार्डरोब में ये वह क्लोथिंग शो कर की जा रही है जो उसने एक साल से नहीं पहना है, तो वह इन कपड़ों का क्या करें। अब हम स्टेप टू को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें एनालाइजिंग ईच सेपरेट ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग है, यानी कि परिधान के सभी समूह को अलग अलग उनका विश्लेषण किया जाना। ये जो एनालाइजिंग है प्रत्येक ग्रुप को बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, और इससे हम परिधान की विशेषताओं का
विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में, इसकी परिधान की विशेषताओं को जानने के लिए कुछ हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें उनसे जोड़कर उनका उत्तर ज्ञात करना होता है। तो इससे उत्तर ज्ञात करने से का अर्थ है कि उस परिधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हमें एकत्रित करना होता है। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट है, फॉर व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू वेयर दिस गारमेंट, यानी आप इस परिधान को किस एक्टिविटी के लिए पहनते हैं। सेकंड है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द गारमेंट, यानी इस परिधान का रंग कौन सा है। थर्ड है, व्हाट इज़ द टेक्सचर, परिधान का टेक्सचर क्या है, यानी उसका पोत क्या है या उसके सतह की विशेषता क्या है। फोर्थ है, व्हाट आर द लाइंस, लाइंस का यहाँ पे तात्पर्य है कि परिधान की जो आउटलाइंस हैं यानी सिलहूट्स हैं वो कौन सी हैं। फिफ्थ है, व्हाट केयर डज द गारमेंट रिक्वायर, यानी कि वह परिधान किस प्रकार का रखरखाव की उसे आवश्यकता होती है, अर्थात वह वेट क्लीनिंग की जा सकती है या ड्राई क्लीनिंग की जा सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है, डज इट सॉइल इजीली, इसका अर्थ है क्या वह शीघ्रता से गंदा हो जाता है। सेवेंथ है, डज इट कीप इट शेप, क्या वह अपने आकार में रहता है। एट पॉइंट है, डज इट रिंकल, क्या उस परिधान में सिलवटें पड़ती हैं। नाइन्थ है, डज इट फिट वेल, क्या वह उसकी जो फिटिंग है वह बहुत अच्छी है। टेंथ है, इज़ इट फिजिकली कंफर्टेबल, क्या वह शारीरिक रूप से आरामदायक है। इज़ इट साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल, इलेवेंथ पॉइंट, क्या वह मानसिक रूप से आरामदायक है। ट्वेल्थ है, हाउ मच डिड आई पे फॉर द गारमेंट, यानी इस परिधान के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। थर्टीन्थ है, हाउ लॉन्ग आई हैड द गारमेंट, ये परिधान मेरे पास कब से है। फोर्टीन्थ है, व्हाट डू यू या व्हाट डू आई स्पेशली लाइक और डिसलाइक अबाउट द गारमेंट, इस परिधान को मैं क्यों पसंद करती हूँ या क्यों पसंद नहीं करती हूँ। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें प्रत्येक परिधान के लिए करना चाहिए, जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे संबंधित प्राप्त होती हैं। और हमें फिर आगे जो दूसरा हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हम जो हमें है हम उसमें आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और इस तरह से हमारी वार्डरोब प्लानिंग में ये बहुत ही हमें सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से इन्हीं प्रश्नों के, इसी प्रकार के यही वाले जो प्रश्न होते हैं और ये जो प्रक्रिया है ये हम एसेसरीज के लिए भी इसी प्रकार से करेंगे। इसे तात्पर्य कि रिपीट द प्रोसेस फॉर एसेसरीज आल्सो। स्टेप थ्री में डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग्स। अब हमने हर प्रत्येक परिधान और प्रत्येक समूह में से हमने इन प्रश्नों के उत्तर देखे, कुछ जानकारियाँ हम प्राप्त करते हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं और
ये हमें हमारे कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं जो हमें ये ज्ञात करने में सहायता प्रदान करते हैं, और कुछ बिंदु जो हमें जिससे हम कोई जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं वो इस प्रकार से है। पहला है कि हम हमारा जो परिधान होता है, जो उसकी जो विशेषताएं होती हैं, वो उस परिधान को क्या करता है, पूर्ण करता है, उसे प्लीजिंग बनाता है, उसे प्रायोगिक बनाता है, और किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो उसके लिए उपयुक्त होती है। दूसरा है वैरायटी ऑफ क्लोथिंग्स नीडेड फॉर योर लाइफस्टाइल्स। इससे आपकी जीवन शैली के अनुरूप उस परिधान को उस कैटेगरी में हम सम्मिलित कर सकते हैं। थर्ड है द गारमेंट दैट नीड्स मेंडिंग और रिसाइकलिंग। हमें ये पता चल जाता है तीसरा कि परिधान में किन किन परिधान में हमें मेंडिंग की या रिसाइकलिंग की आवश्यकता है, यानी कौन कौन से हमें रिपेयर्स करने हैं और हमें अपने परिधान को किस तरह से अपडेट करते रहना चाहिए। फोर्थ है द गारमेंट्स दैट शुड बी पास्ड ऑन टू फ्रेंड्स रिलेटिव्स और टू चैरिटी। और कुछ परिधान जो हमारे काम नहीं आते हैं वो भी हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से ही हम ज्ञात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो परिधान हमारे काम नहीं आते हैं उनको हम आगे अपने मित्रों को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, या फिर हम उनसे चैरिटी में भी डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमें हमारे आगे नए परिधानों और एक्सेसरीज को खरीदने में सहायता प्रदान करता है, और ये हमारा एक क्राइटेरिया बन जाता है कि हमें हमारे आगे हमारे वार्डरोब को प्लान करने के लिए किस प्रकार के परिधानों को खरीदना चाहिए। ये एक होता है कि ये एक वेल प्लान्ड वार्डरोब की प्रक्रिया में हमें सहायता प्रदान करता है। स्टेप फोर में हम करते हैं पुटिंग ऑल द प्रिलिमिनरीज, एनालाइजिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग इनटू एक्शंस। अब हमारी जो भी प्राथमिकता होती है हम उसका विश्लेषण करते हैं, फिर हम उसकी योजना बनाते हैं, और हम बजट के अनुसार हम उसको उसकी क्रिया में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि द कलेक्टेड वार्डरोब इज इक्वल्स टू फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स प्लस वार्डरोब एक्सटेंडर्स होता है। तो कलेक्टेड वार्डरोब का मतलब हुआ एक कंप्लीट वार्डरोब जो है वो दो बातों को मिलाकर किया गया है। पहला है फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो कि हमारे क्लोथिंग से संबंधित होते हैं, जो हमारे बेसिक क्लोथिंग्स होते हैं उन्हें हम फंडामेंटल कंपोनेंट्स में सम्मिलित करते हैं, और हम उनको उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको रखते हैं, जैसे कि स्टाइल या डिज़ाइन होता है, कलर होता है, और कलर्स में भी हम स्टेपल कलर्स हैं, फैशन कलर्स और क्लासिक कलर्स को सम्मिलित करते हैं, टेक्सचर्स हैं, ट्रिम्स हैं और क्वालिटी है, और हमारे जो वार्डरोब एक्सटेंडर्स होते हैं, वार्डरोब एक्सटेंडर्स होते हैं जो कि हमारे जो फैशन जो फंडामेंटल हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको एक खूबसूरती प्रदान करते हैं, यानी उसको ब्यूटीफाई करते हैं। और जो वाटरप्रूफ एक्सटेंडर्स होते हैं उनकी भी कुछ इस तरह की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि स्टाइल और डिज़ाइन, कलर, टेक्सचर, ट्रिम्स एंड क्वालिटी। थैंक यू।